नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आज यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उनका 71वां जन्मदिवस है आज। और आज के मौके पर बिहार में कुछ स्पेशल प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज पूरे बिहार में वैक्सीन का महाअभियान चलाया जा रहा है। कोविड-19 का जो वैक्सीन है, जो टीका है, वो टीकाकरण का आज महाअभियान चलाया गया, जिसके तहत 30 लाख लोगों को एक दिन में टीकाकरण यानी कि टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में इसके लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है, लेकिन इस विशेष व्यवस्था में 4 चांद लगाने के लिए वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई दी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी थे। उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का स्वागत किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां पर एक बोर्ड पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि वहां पर पुरुष और महिलाओं के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, जहां पे लोग टीकाकरण ले रहे हैं, जहां टीका ले रहे हैं वहां पे कई तरीके के क्वेट्स भी लिखे हैं। जैसे में उसमें से अगर एक की बात करें तो वहां पर एक लिखा हुआ है, एक अधूरा 2 से होगा पूरा। वहीं दूसरा अगर क्वेट्स की बात करें तो वो लिखा हुआ है, 6 करोड़ लोगों को 6 माह में टीका। आपको पता है कि इस अभियान के तहत पूरे बिहार में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उस टीकाकरण अभियान का आज महाअभियान है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह अभियान किया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने सोच करके कहा कि आज सबसे ज्यादा टीकाकरण कराएंगे और वो काम शुरू हो गया जो आप लोगों को बता दिया। उन्होंने कहा 30 लाख से ज्यादा करेंगे, बताइए कितना टाइम लगता है, 7 लाख से ज्यादा हो गया तो हम लोगों का तो सोच लीजिए। स्वास्थ्य विभाग के सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से, शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह पूरे बड़े पैमाने पर यह सब काम हो रहा बहुत अच्छे ढंग से, और लोगों में जागृति लाने की भी हर समय कोशिश की जाती है ताकि लोग सचेत भी रहें और आगे भी इस तरह का कोई खतरा नहीं। इसलिए और आज के अवसर पर तो मैं विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ और आज के इस अवसर पर मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने कहा कि आज खास तौर पर टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया है, लेकिन इस चीज को हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन आज जो विशेष बात है, आज 30 लाख लोगों को एक दिन में टीका दिया जाएगा। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।